हरे कृष्ण। सो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है ये श्लोक, यन्नामधेयाम्रियमाणा आतुरः पतन्स्कलन् वा विवशो ग्रन्नं त्वमां विमुक्तकर्मार्गलोत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षयन्ति नतं कलौ जनः। बताते हैं यहाँ पे, यन नाम धेयम, यन मतलब भगवान, यानी जिसका, तो ये भगवान से संबंधित, जिसका नाम नाम धेयम, किस सिचुएशन में, म्रियमाणा, जो व्यक्ति मृत्यु की शैया पे है, अब भी मर जाएगा, अगर वो भी भगवान का नाम लेता है, आतुरह, आतुरह मतलब बहुत परेशान है, पूरे संसार के लोग आतुर हैं, बहुत परेशान हैं, अलग अलग तरह का वैरायटी का स्ट्रेस और एंजाइटी है, वो व्यक्ति पतन, पतन मतलब जो गिरने वाला है ना, जैसे बोलते हैं या तो कोमा में चला गया, या तो जाने वाला है या गिरने वाला है, स्कलन, स्कलन मतलब जिसका आवाज नहीं निकल रहा है, गले से गला तो बंद हो चुका है, और ये भी अगर म्रियमाणा आतुर पतस्कलन वा विवशो ग्रन्थपुमान, वा विवशो मतलब ये सब अगर भगवान का नाम विवश होकर मतलब हेल्पलेस, और कोई सहारा नहीं है, पूरी तरह अगर भगवान का शरण लेते हुए, भगवान की शरण लेते हुए अगर जप करते हैं, नाम लेते हैं एक बार भी, तो देखिए उसका क्या होगा। ऐसे अजामिल यमदूत आ गए थे, तीन यमदूत, बड़ा खूनकार, उनका रूप देख के अजामिल पूरा डर गया, रोने लग गया, और उसी समय अपने पुत्र को बुलाया, नारायण, एक बार बुलाया, बस एक बार नारायण बोला, तुरंत वहां पे चार विष्णु दूत आ गए, नारायण के चार दूत आके इसको छुड़ा दिए। तो जो भगवान का नाम जप करेगा किसी भी परिस्थिति में, यहाँ कहने का मतलब है वो व्यक्ति तुरंत विमुक्त कर मार्ग अलोत्तमाम गतिम, वो कर्मक बंधन से तुरंत छूट जाएगा, उत्तमाम गतिम और उत्तम गति को प्राप्त करेगा, प्राप्नोति यक्षयंती, प्राप्नोति, भूमि देवी कह रही है। बट देखिए दुर्भाग्य, आगे ये आखिरी लाइन में बताते हैं, यक्षयंती नातम कलौ जनाहा, जनाहा मतलब लोग, कलौ मतलब कलयुग के लोग, यक्षयंती नातम, ये भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान के नाम एक बार जप करने से हम कर्म बंधन से मुक्त होके इस नारकीय भौतिक संसार से बाहर निकल के उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कलयुग के लोग नहीं करेंगे, क्या करें बताइए। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कुछ भक्त जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं ना भक्त, और कोई बोलता है ये देखो मूर्ख हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, ये हरे कृष्णा वाले पूरे पागल हो चुके हैं, भगवान उनको भी फायदा देते हैं, भले वो भक्तों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो हरे कृष्णा बोल रहा है तो उसका फायदा होता है। द्रौपदी जी के समय जब कीर्तन होता था शुरू में अमेरिका में, तो न्यूज आर्टिकल्स आते थे, तो एक बार दो अखबार आए द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी ने, भक्तों ने कहा कि दोनों में हमारे बारे में लिखा है, हरे कृष्णा वालों के बारे में, द्रौपदी बोले पढ़ो, तो एक आर्टिकल था उसमें पूरा निगेटिव लिखा था, वो निंदा कर रहा था हरे कृष्णा वालों को, और दूसरा जो था प्रशंसा कर रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने बोला जो निंदा कर रहा है ना वो अच्छा आर्टिकल है, तो भक्त बोले ऐसा कहता, प्रभुपाद बोले निंदा कर रहा है लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखा है आर्टिकल में, और ये प्रशंसा कर रहा है लेकिन इसने पूरा हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है, तो लोग इसका आर्टिकल पढ़ेंगे, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे, उद्धार हो जाएगा। आप देख रहे हैं नाम का महिमा। जब ये मूवी आई थी हरे रामा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे रामा मूवी आई थी, और बड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कि लोग नशा करते हैं और उसके बाद ये महामंत्र जप करते हैं,
किसी ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी ये मूवी रिलीज हुई है इससे तो हमारी बदनामी होगी भारत में। प्रभुपाद ने क्या क्या बताया, बोले नशा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं और नाम जप करते हैं, और क्या बताया। और भक्त ने बोला, प्रभुपाद लेकिन एक चीज अच्छी है कि मूवी में ये हरे कृष्ण महामंत्र बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, ये चलता है बहुत जगह पे, ये हरे कृष्ण महामंत्र बैकग्राउंड में चलता है। प्रभुपाद बोले ड्रग्स चला जाएगा, हरे कृष्ण रह जाएगा। अभी क्या बोल रहे हो लोग, हरे कृष्ण हरे राम दम मारो दम। प्रभुपाद बोले ये ड्रग्स चला जाएगा, हरे कृष्ण हरे राम रह जाएगा। और वही हुआ, ये हरे कृष्ण मंत्र रह गया। और कैसे ये फिर भी लोगों का उद्धार किया, ये नाम का महिमा है। बट कलयुग के लोग फिर भी जप नहीं करेंगे, यहाँ पे ये दुर्भाग्य है। बताया कलौ नराजन जगताम परम गुरुम त्रिलोक नाथ नाथ पाद पंकजम प्रायण मर्त्या भगवंत मच्युतम यक्षंति प्रपाशंड विभिन्न चेतसा। ये जो कलयुग के लोग हैं इनका बुद्धि पूरा दूषित हो जाएगा, किससे, नास्तिकवाद से, सब के सब नास्तिक बनेंगे। ये भागवत में 5000 साल पहले बताया, और देखिए सब नास्तिक बन रहे हैं। और ये संसार में बहुत कम लोग, वो भी कभी कभी कुछ तो यज्ञ करेंगे भगवान कृष्ण के लिए, जो कौन है, नाथ नाथ, नाथों के भी नाथ हैं, देवताओं के भी देव, देव देव ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र सूर्य इतने आचार्य सब भगवान कृष्ण के चरणों में शरण के लिए ललायत रहते हैं। और मनुष्य एक कलयुग में मनुष्य नीच जाति है, फिर भी वो दुख भुगतने के बाद भी भगवान की शरण नहीं लेगा। ये परिस्थिति, सब कुछ कलयुग में खराब हो चुका है, सब मलिन हो चुका है, लोगों के मन स्थान। इसलिए तो यज्ञ मना किया गया, क्या करेंगे यज्ञ, सब सामग्री यज्ञ की खराब हो चुकी है। लेकिन जो भगवान को अपने अंतकरण में स्मरण करेगा वो शुद्ध हो जाएगा। कैसे स्मरण करेगा, वो स्मरण कैसे कर सकता है, श्रुतः संकीर्तितयो ध्यातः पूजितश्चादरो अपि वा निणाम धनोति भगवान हृत्स्थो जन्म आयुत शुभम। कहते हैं अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम को श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा भगवान के नाम या कथाओं, तो उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो अपराध हैं, जो अनर्थ हैं, जो पाप हैं, उस सबको भगवान निकाल देंगे। ये महिमा है नाम की। हर वेद में, पुराण में, शास्त्रों में सब जगह नाम की महिमा बताई है। हमारी तो परिस्थिति भगवान कृपा से, वैष्णव गुरु की कृपा से अच्छी है, हम रोज नाम जप कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं भी कर रहा है उसका भी उद्धार हो जाएगा एक बार नाम जप करने से। इसीलिए ये वैष्णव का ये धर्म है कि वो जाके सबको प्रेरित करें ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। नित्यानंद प्रभु लोगों के पैरों में पड़ जाते थे, गिरते थे लोगों के पैरों में, पैर पकड़ लेते थे कि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, हरि का नाम लीजिए, गौरंगा का नाम लीजिए। जब आदि गुरु नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, वो लोगों के हाथ पैर जोड़ के उनको नाम जप करने के लिए बोल रहे हैं, तो हमको भी उन्हीं का पद चिन्हों का फॉलो करते हुए हमको सबको जोड़ना चाहिए। क्योंकि हम नाम जप करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा कलयुग में, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इतना पावरफुल कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको कलयुग में इस परिस्थिति में जो है पूर्ण शुद्ध कर दे। ये नाम का बल है, आध्यात्मिक बल। हरे कृष्ण, श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।